जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार शाम से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा के द्रब गांव इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर लिया था। वहीं एक आतंकी को शनिवार देर रात मार गिराया गया, जबकि अन्य 2 रविवार सुबह हुई कार्रवाई में मारे गए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को घेर रखा था, जिसके बाद एक आतंकी ढेर हो गया। मौके से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुए। वहीं IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारे गए सभी आतंकी स्थानीय थे और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। इनमें से एक की पहचान जुनेद शीरगोजरी के तौर पर हुई है, जो 13 मई को कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। वहीं अन्य 2 आतंकियों की पहचान पुलवामा जिले के फाजिल नजीर भट्ट और इरफान मलिक के तौर पर हुई।